था राजा। कहानी नहीं गाना। हाँ 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 सुनो तो। एक था राजा। अच्छा गाना है। वाह वाह। एक था राजा। एक थी रानी। दोनों पर छाई थी जवानी। दीवाने थे सुख सागर में बहते थे प्रेम नगर के एक मंदिर में। प्रेम नगर के एक मंदिर में दोनों हिल मिला रहते थे। दोनों हिल मिला रहते थे। रानी कहती थी मन मेरा मोतिया। रानी कहती थी मन मेरा मोती। राजा कहे मैं मन का चोर। राजा कहे मैं मन का चोर। रानी कहती चंद का हूँ मैं। रानी कहती चंद का हूँ मैं। राजा कहता था मैं हूँ चकोर। राजा कहता था मैं हूँ चकोर। राजा कहता था मैं हूँ चकोर। प्रेम चांदनी चारों प्रेम चांदनी चारों मोहन हंस के करते किशोर। मोहन हंस के करते किशोर। मोहन हंस के करते किशोर। जैसे कूके मोरनी मोर। जैसे कूके मोरनी मोर। मोहस हंस के करते किशोर। मोहस हंस के तू हो रही निर्मला। क्या हुआ मामे? बच्चे खेलते थे। अरे तू हो बच्चे है शादी नहीं भई नहीं तो दो ही बच्चे हो जात। मामी ऐसी बात कहते तुम्हें लाज नहीं आती? हाँ तू ही का तोर माँ बाप हिंदी अंग्रेजी नाचाऊ गाऊ यही खाती शिकायत है कि मोर लाज निकाले वही मरी गए और हमारी छाती पर यूं पत्थर धरी गई। मामी हमेशा तुम ऐसी बुरी भली बातें सुनाती हो तो फिर कुएं में ढकेल दो ना। अरे जा गिर। नदी है नारा है कुआं है को तो ही करो कत है। अरे 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 क्या भवा क्या भवा। हाँ कहे झगड़ा करो तू हो। मोर लाज निकाली लाज यू बला का कोनी चूच घर दिखी के ठिकाने लगाओ। हाँ 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 सब बंदोबस्त हो गवा है। मुला निर्मला भाग केर बड़ी धनी है। उही का पति बड़ा अमीर मनई है होशियार है। निर्मला को देखे आवैया है। अच्छा बा निर्मला चलू कपड़ा और गहना पहन चली के।
हाँ आओ पधारो। आओ पधारो। इधर इधर बैठिए बैठिए। इस साल गर्मी जल शुरू हो गए हैं। माँ पिताजी मुझे आशीष दो। सुंदर अच्छे मुला तोर सिंदूर आज का है। चलो निर्मला आओ बैठो। देखिए अपने लड़की सुंदर है शरीफ है। बंबई में पढ़ती थी। इसके माता पिता बड़े शरीफ आदमी थे। साल डेढ़ साल हुआ एकाएक दोनों का स्वर्गवास हो गया। उसी समय से मामा संभालते हैं और आप तो जानते ही हैं कि ये कितने सीधे साधे हैं। लड़की से कुछ पूछना है मोहन भैया आप ही पूछिए। आप पूछिए तो अच्छा। क्या पूछना है पसंद है? हाँ जाने दो। जा बेटी। भाग्यशाली है। शंकर चाला। मामा चाय दूध? दूध नहीं। नहीं नहीं मामा अच्छा चाय पियेंगे। चाला देख ले काहे शर्माते है। नी कितना देख ले नहीं तो पाछे रुपया वाले हम शहर मैया बड़ी इज्जत है। यू बुढ़वा को है जान परत है लड़का क्यार बापू है। हाँ बापू ही समझ ले। बोला निर्मला को पसंद है ना। बाबा यू तो पाछा आप ही मालूम हो जाए। हाँ, अच्छा अब मुहूर्त जल्द से जल्द। हाँ दो चार दिन में क्यों मामा। हाँ हाँ शुभ से शीघ्र। हाँ मामी वो विधवा बहनी कौन? वो नर्मदा चाची हमार समधिन हमार जवाई केर चाची।
दादी बहू कितनी सुंदर है, मैं जरा पास जाकर देखूं। जा। विवाह प्रधानाज्जहोमेविनुकहा गृह्णामीति सूर्यासवित्रि सूर्यासवित्रि दृष्टुभ वधूपाणि गृहणे विनियोगहा। जीत लिया, हो गई शादी। माँ, हो गई मेरी शादी। तुम रोत गए हो, तुम्हार दूल्हा तो बड़ा अमीर बने है। मामा को इतने इतने रुपया दीस। अरे जाकत खाओ, झूठ नहीं, हम अपनी आँखें देखें और सब जने मिलके तुझे खूब फसाइन। जवान मर्द दिखावा गवा और शादी बुढ़वा के साथ वा। कैस पड़ी थी वही नथू नथू आवत है आवत। ओ फोटोग्राफर, फोटो निक निकरे का चाही। स्टेडी, हिलना नहीं, हिलना नहीं। जरा बिगड़ गया। हाँ, फोटो नहीं खींचा। मामा, हमारी यू तो सब घोटाला है घोटाला। अच्छा भवा, फोटो नहीं खींचा। निर्मला कहाँ गए? जाओ उहे का तो निकले आओ। अब हम निकी तो ना खड़ियान। शंकर तू ही जा, 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 तू ही जा। अच्छा, हम ही उही का लावे जाए थे। निर्मला, निर्मला फोटो खिंचावे चलू ना। हाँ, तू चुप पे कहे, तोर दुल्हा तोर वाट पात है। चलो
इतना चिल्लाई थे सुनत का है नहीं। चलो मुझे परेशान न करो, मैं नहीं आऊंगी। का मेरे सामने से अपना मुख काला करो। हाँ दुष्ट ही के, कब से देख रहे हैं हम तोर थोर पर कौन पाथर धर दिन है। बाजेन कहू की जितना हम चुप पे रही थे उतो बढ़ता जात है। अब तनिक हूँ तो बोल, मारे लपड़ों के मुंह लाल के दे हो। आओ दिखाओ बहादुरी। तो ले निर्दयी कसाई, मार मार, बूढ़े के गले बांधकर मुझे कुएं में झोंका। ले अब गला दबा के जान ले, अच्छा होगा मुसीबत से छूट जाऊंगी। उठार सूरत, होश में है क्या? दरवाजे में कौन है देखती नहीं? उनकी तो शर्म कर। हटो, मुझे शर्म करने के लिए कहती हो? तुम्हारी लड़की अगर एक बूढ़े के गले बांध दी जाए तो तुम चुप बैठोगी? किस मुंह से कहती हो शर्म कर? किसकी शर्म करूं? इस लालच ने, पैसे के लालच में मुझे बूढ़े के गले बांधा, इसने शर्म की थी या इनकी शर्म करूं? अपनी उम्र का ख्याल न करते हुए, जिनके मैं बेटी नजर आती हूं, मुझसे शादी करते हुए इन्होंने शर्म की थी। बड़े बूढ़े ने अपनी शर्म छोड़ दी और मुझे शर्म करने के लिए कहते हो? मुझोर कितनी बढ़ती जाती है। याद रख, अब तू आजाद नहीं, किसी की औरत है। हाँ औरत हूँ, औरत हूँ, और औरत हूँ इसीलिए आप मेरा सफाई से गला काट सके। मैं तुम्हारे काबू में हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मैं जानती हूँ। मगर याद रखना, ये भड़कती हुई आग है, ये तुम्हें जलाए बगैर कभी नहीं रहेगी। क्या क्या करेगी तू? क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी। धूम करती है। हैं केशव, पर आए घर में तमाशा अच्छा नहीं। चलो वकील साहब, यू बड़ी मिजाजी है, यही काम मरे दो, इसके बगैर हम फोटो खींचा ले। चलो शंकर केर कपड़ा किसन के राय पहराई दे। क्यों रे केशव, ये सारा काफिला किधर चला? अपने साथ नहीं, कैसे कहूं, ये देहाती बला। ये
बुरा न मानियो, हमहू तुमरे साथ। कोई न चले। कितनी निर्दयी है रे, तोड़ जू से हमार मोहब्बत हुई का गई। शादी के हो में जलकर खाक हो गई। दुल्हा के घरों माँ भल मनसी से रहे के नहीं, उसकी जिम्मेवार मैं हूँ, आपको गर्ज नहीं। फिर जाओ, अकेली ही मरो। ये तो हुआ ये है, आज से आप मेरे लिए और मैं आपके लिए मर गई। अच्छा अच्छा, आप ई के साथ कौन चाहिए, चलो अंदर, चलो जाओ, चलो अंदर, जाओ, चलो, चलो अंदर, जाओ, अरे चलो अंदर, चल, जाओ, 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 तू कहाँ जा, जाओ, चलो अंदर, कौन है जाओ। मामा साहब, फोटो तैयार है। ये बात का फोटो देखे थन। पहले तो निको अच्छी नहीं, वकील साहब शादी की फोटो हमने ली, अब पहले लड़के की फोटो हमारे ही हाथ से लेना चाहिए। उस शुभ घड़ी में हम जरूर गंगापुर आएंगे, कुछ बहुत राह नहीं देखनी पड़ेगी। अगले बरस लड़का। कहीं है काका साहब, कहीं गए हुए थे? ले रे। सलाम। बहुरानी मुंह हाथ धोले। शांति जा, इसको जगह बता। क्यों रे, घड़े में चाबी क्यों नहीं दी? कल ही दी थी सरकार। लेकिन बंद क्यों हो गई थी? बंद हो गई थी। ये आप पेंशन चाहती है सरकार? अब ये हो गई है मेरे जैसी बूढ़ी, इसे कितनी ही चाबी दो, कितना ही हिलाओ झुलाओ, लेकिन ये ऐसे ही जब कभी बंद हो जाएगी। अच्छा अच्छा, बड़ा चालाक है तू, जा। बूढ़ी, बूढ़ा,
मुझे मालूम हुआ है कि आप इस उम्र में शादी की फिक्र में हैं। ये बात आपको शोभा नहीं देती। आप कह सकते हैं छोटा मुंह बड़ी बात है, उसकी मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन मैं फिर प्रार्थना करूंगी कि आप अपनी उम्र का ख्याल करते हुए ईश्वर के लिए किसी गरीब लड़की की बदुआ न लें। जनाब नया सेहरा बांधने की फिक्र में है, ये मैंने सुना है। मुबारक हो, बुढ़ापे की ये रंगरलियां मजे की हैं। मगर मैं भी शादी के काबिल हो गया हूँ, इस बात को आप न भूलिए। इस पर भी आप लुत्फ उठाना चाहते हैं तो मे गॉड ब्लेस यू डियर फादर। खैर कुछ भी हो, मुझे 200 रुपए खर्च के लिए तार से रवाना कीजिए, नहीं तो मनी ऑर्डर न आने पर मुझे खुद आना पड़ेगा। कौशल साहब के मुकदमे की तारीख आज ही है ना? जी हाँ, आज शुरू में ही उसकी पेशी होगी। बहुरानी, सुना क्या बहुरानी? मुझे बहुरानी बहुरानी नहीं कहना, मेरा नाम सीधा साधा निर्मला है, निर्मला पुकारना। ये चाय अपने पतिराज के लिए लेके जाओगे क्या? नहीं। अच्छा अच्छा, अब तू मेरे काबू में है, कहाँ जाएगी देखूंगी। जी हाँ, आप ही के काबू में हूँ। बूढ़े पति की औरत हूँ, इसलिए कहीं चली नहीं जाऊंगी। शांति जी, चाय पीने के लिए आ। क्या है? ले। और चाची के लिए? तुझे क्या करना है, तू अपनी पी। उसे चाहिए तो आएगी, बनाएगी, पिएगी। मेरी जूती को गर्ज पड़ी है कि उसे चाय दूं। मैं ही लेके जाती हूँ केशव के लिए चाय। क्या मेरे हाथ पांव टूटे हैं? तुमने पी? हाँ। सच? झूठ कहती हूँ। मुझसे झूठ? ये तुम्हारी चाह है ना, फिर झूठ क्यों बोलूं? आप पीने इसलिए, दादी ने आपकी चाय नाली में फेंक दी।
आप पीऊंगी ना? कितनी प्यारी लड़की हो बहन, तुम ही पियो। मगर आपके पिए बगैर मैं नहीं पीऊंगी। अच्छा चाची, चाची, आपको चाची कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। बहन पुकारो, आप नाराज तो नहीं होंगी? नहीं। बहन, बहन, बहन कितना मीठा मालूम होता है। बहन तुम्हें घर देखना है? चलो मैं दिखाऊं, आती हूँ। चलो। तेरी ये मुजोर औरत के सामने हाथ जोड़ने पड़े केशव, कितना मुंह लड़ाती है, सारे उल्टे जवाब। उसकी अच्छी खबर लेनी चाहिए। सच है, घड़ी ने भी आवाज दी। देख ली मेरे कहने की सच्चाई? अब तुझे चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं सब तमाशा देखता हूं, उसे जल्द मालूम होगा। ये सामान रखने का कमरा अब हुआ। पहले यहाँ जुगल दादा पढ़ने बैठते थे। जुगल दादा कौन? जुगल दादा चाचा जी के लड़के। और कौन है उनके? सुशीला बहन, दुनिया में उनका बड़ा नाम है। अच्छा चलो। हाँ बैठ। देखती क्या है, तेरे पति की थाली है। मैं झूठी थाली पर नहीं बैठूंगी, मुझे दूसरी थाली चाहिए। दूसरी थाली घर में नहीं। अब तो हद हो गई। अब है क्या दूसरी थाली? क्या तेरे हाथ जोड़ू? शौक से आइए, मैं दिल से आशीर्वाद दूंगी। याद रख, इस शरारत की अच्छी सजा मिलेगी। क्या करती है, मुझसे ये सहन न होगा। नहीं तो मैं केशव से साफ साफ कहूंगी, निकल जाऊंगी घर से और चली जाऊंगी प्रयाग। दादी, बद्रीनारायण उससे भी दूर हैं, वहां जाओ ना। मैं तेरे कहने से जाऊंगी? कभी नहीं जाऊंगी। आहा, दादी दाल क्या मजे की बनी है। आप कहीं ना जाएं, आप चली जाएंगी तो इतना अच्छा खाना कौन पकाएगा? तो मैं तेरी खाना पकाने वाली हूँ। ये बात नहीं, मगर चुप रहे। सास से इस तरह पेश आती है, मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। ये घर है या बाजार?
हमेशा लड़ाई, हमेशा झगड़ा। अब एक लफ्ज भी मेरे कान पर नहीं आना चाहिए, नहीं तो शांति अपनी चाची साहिबा से कहे आजू बाजू की औरतें देखने आने वाली हैं। शांति अपनी दादी साहिबा से कहे निर्मला की शादी हो गई, अब क्या देखने आती हैं? शांति उनसे कहे नसीब से मिले हैं तो जेबर कपड़े पहनकर अच्छी तरह बैठना। बहन उनसे पूछना कि नई नवेली दुल्हन जैसी या सिनेमा नटी जैसी बन के बैठूं। बस बस चुप रह। चुप रहूं ना तो मुझे कोई देखने ना आए। मुई चाची आओ बहन आओ। और कौन कौन है? भांडा चौका हो गया क्या? आओ आंखें अच्छी है, सुरमा लगाती है, गोरी है, पाउडर लगाए है। ये देखो नई वकीलन बहन, यही क्या? आओ बहन। मुझे वकीलन न कहिए। अच्छा बहन हमारे पास तो आओ। नहीं देखो मैं बड़ी बुरी लड़की हूँ, मेरे रास्ते न जाना नहीं तो अपमान होगा। इसने सीधी बात करने की सौगन खाई है, किसी दिन ये मेरे केशों का मुंह काला करेगी। मुझे क्या गरज, उन्होंने ही बुढ़ापे में सेहरा बांध के चिराग रोशन किए हैं, मेरे नाम से क्यों चिल्लाती हो? चाची ये कुछ निराला ही नमूना है। बहन वो जो सामान रखने का कमरा है ना, अपने बैठने के लिए वही अच्छा है, आने जाने वालों की तकलीफ नहीं। चलो उसे साफ करें। किसका फोटो? तुम्हारे माता जी का? वाह कितना सुंदर है। बहन अपने यहाँ फूल है? नहीं इतनी बड़ी जगह है मगर बाग ही नहीं। बहन तुम्हें गाना आता है तो सुनाओ। अच्छा मुझे ग्रामफोन का गाना नहीं तुम्हारा चाहिए। मैं ही गाती हूँ। यहाँ
पे आके हर एक अपने यहाँ पे आके हर एक अपने निराली दुनिया बना रहा है निराली दुनिया बना रहा है दीवाना दाना जमाना क्या क्या दीवाना दाना जमाना क्या क्या हमें तमाशे दिखा रहा है हमें तमाशे दिखा रहा है किसी की चुप वलमला किसी का छुरी किसी के गला किसी का किसी की चुप वलमला किसी का छुरी किसी के गला किसी का बुरा किसी का भला किसी का बुरा किसी का भला किसी का धर्म यही क्या सिखा रहा है धर्म यही क्या सिखा रहा है सितम का सहना सितम का सहना है कर ताकत बढ़ेगा दिल बढ़ेगी हिम्मत सितम का सहना सितम का सहना है कर ताकत बढ़ेगा दिल बढ़ेगी हिम्मत है ये भी एक जिंदगी की दौलत है ये भी एक जिंदगी की दौलत सुनो आज सुना रहा है सुनो आज सुना रहा है नमस्कार वकील साहब ओहो नमस्कार कैसे ठीक है ठीक है मैंने सुना है आपने शादी की जनाब चले जरा जाना ही चाहिए नई शादी नई पत्नी नई खुशी नई उम्र हाँ वकील साहब किसी की आंख फोड़ोगे कब आए शादी करके नमस्कार ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा ही हुआ ना छतरी का पर्दा आपका पर्दा रखता है मगर हम बूढ़ों की नजर आप तो जानते ही हैं हाँ सुनिए मैंने सुना है कि मैंने शादी की यही ना यानी आपकी शादी हुई ये नहीं मैंने सुना था मैं कुछ और ही कहना चाहता था अच्छा अच्छा मगर ये बुढ़ापे में शादी का क्या झगड़ा है बुढ़ापे में अच्छा अच्छा फिर मिलूंगा
बूढ़ा। बूढ़ा मैं नहीं तू। कौन कहता है मुझे बूढ़ा? सिर्फ एक ही सफेद बाल। आजकल के जवानों की भी हो जाते हैं। केशव, पहली भूल और मुंह में धूल। दोपहर से तेरी औरत ने घर सर पर उठा लिया। मोहल्ले वाले थूकते हैं। बाबा लाते खाने वाला बातों से नहीं मानता। चमार के देव को चप्पल ही की पूजा चाहिए। अभी तक उसका वही तरीका है। वो इतनी ताकत थी फिर भी न मानी। नहीं, कहां है वो? आप शरारत से बाज नहीं आती, मगर ठान रहे मेरे सब्र की भी कोई हद होगी। और मेरे सब्र की? याने आप वकील हैं? फिर इंसाफ और ना इंसाफ आप खूब समझते हैं, मगर जिसे आप शरारत समझते हैं वो शरारत नहीं। क्या शरारत नहीं? अच्छा, मुझे इससे गर्ज नहीं। ये मेरा घर है, यहां मेरी मर्जी के विरुद्ध कोई नहीं चल सकता। ये कानून मेरे लिए नहीं। नहीं, ये कानून तुम्हारे ही लिए है। जिसको जान का खौफ नहीं उसको जहान का खौफ नहीं। आफत से लड़ूंगी, मुसीबत से खेलूंगी, मगर जिससे इंसाफ का खून हो वो बात कबूल की है न करूंगी। क्या तेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है? ईश्वर के लिए ये न पूछिए। क्यों न पूछूं? मैं जवाब चाहता हूं। किस मुंह से जवाब चाहते हैं कहिए? आपने इस उम्र में मुझ जैसी लड़की से शादी की, क्या यह अन्याय नहीं? अब मुझे सुख की परवाह नहीं, मगर जिसने मेरे साथ अन्याय किया है उसे चैन से बैठने न दूंगी। अच्छा, देखा जाएगा। आप ही देखेंगे, दुनिया देखेगी।
मैं फिर तुझे एक बार मौका देता हूं, सोच। दुनिया में हर एक बात इंसान के हजमनशा नहीं होती, फिर गुजरी हुई बातों के ख्याल में तमाम उम्र दुख सेना, इससे फायदा क्या है? जिंदा रहो, कितना सुंदर उपदेश। किस्मत से अगर मैं आपकी बेटी और आप मेरे पिता होते तो कितना अच्छा होता। मैं आपके चरणों पर सर रख कर आशीर्वाद लेती। बस बस, फिजूल ऐसी बकवास न कर। बेटी निर्मला, निर्मला बेटा, अब तो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी जाती। अजी महारानी, ये आपके सोने की जगह नहीं, रंग महल में जाइए। आप यहां से जाइए। ये तो किससे कह रहे हैं? मैं इतना कह रही हूँ फिर भी नहीं जाती, कितनी निर्लज हो। हाँ? निर्लज? निर्लज किसे कहती है? निर्लज तेरी माँ, निर्लज तेरी बहन, निर्लज तेरे अड़ोसी पड़ोसी। सुना या और सुनाऊं? जाती हो या नहीं? नहीं जाऊंगी, ना तुझे यहाँ सोने दूंगी। नहीं जाती? निर्लज मेरी माँ, निर्लज मेरी बहन, निर्लज मेरे अड़ोसी पड़ोसी। निकल, तेरा सत्यानाश हो। ये खता, ये खता। माता पिता, ये सचमुच खता है क्या? जरूर दुख सहूंगी, मगर अन्याय नहीं बर्दाश्त करूंगी। क्यों दुख में समय सब खोता है, जीने से हाथ क्यों धोता है? दुख ही के पास है सुख का घर, उस घर पे नहीं क्या तेरी नजर? मैदान में दुख के लड़ने जा, और पास में सुख का बाग बना, और पास में सुख का
बाग बना। बहन शांति ऊपर आओ। अपने आंगन में मैंने एक सुंदर बाग बनाने का निश्चय किया है। सच? हाँ, अभी काम शुरू करेंगे। चलो बहन, अपना नौकर शीतल है ना, उसे भी साथ ले लें। ठीक, घर के काम को लगी आग और तुम बनाओ बाग। चाची क्यों? देखो मैंने सब कुछ सोच लिया है, अब उसे मेल मोहब्बत से काबू में लाना चाहिए। मेरी जूती को गरज पड़ी है जो मोहब्बत करे। चिल्लाइए नहीं, यहाँ आइए। आज उसका रंग कुछ अच्छा नजर आता है। आज उजड़ी जमीन में वो बाग लगा रही है, कल मेरे दिल की दुनिया भी आबाद करेगी। कुछ दिन तो मोहब्बत से पेश आए, नहीं तो अपना आखिरी फैसला है ही। अच्छा बाबा, मीठा बोलूंगी, हाथ जोड़ूंगी, पांव पड़ूंगी, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगी। किसी तरह वो लक्ष्मी घर संभाले। अरे उनसे कहना बाग के लिए पैसे वैसे की जरूरत हो तो मांग लेना। जी शीतल, थोड़ी देर से बाजार में जाकर फूलों के बीज और पौधों के कलमे ले आना। शीतल, आज जितना काम हुआ बस। बहन, अपने बाग में जब फूल फलाएंगे तो कितना सुंदर दिखेगा। बारिश जल्द आए तो अच्छा। कौन सा महीना है ये? कौन सा महीना? चैत, बैसाख। बहन, हमें पाठशाला में ऋतु का गाना सिखाया है, तो सुनाओ ना। लेकिन हंसना नहीं, तुम्हारी जैसा मैं नहीं गा सकती। अच्छा अच्छा सुनाओ। इसी सुर पर गाती हूँ। भारत शोभा में है सबसे आला, हर महीने में रंग निराला। भारत शोभा में है सबसे आला, हर महीने में रंग निराला। बसंत में रंग रलिया मना के, बैसाख भी चला हंस के हंसा के। बसंत में रंग रलिया मना के, बैसाख भी चला हंस के हंसा के। भारत शोभा में
है सबसे आला हर महीने में रंग निराला रस भरा जो बना धरती पे झूमे सूरज नैना से शोभा को चूमे प्रेम से किराने लगाई सीने जेठ आषाढ़ के गुजरे महीने बिजली चमके बादल भागे देखो के मोर नाचन लागे भारत शोभाने है सबसे आला फूल चाहिए इनके यहाँ दौरी पूजा है इन्हें फूल दूँ हाँ हाँ बहन हमारे यहाँ गौरी पूजा के लिए आओगी जरूर आना ज्यादा रात तक ना रहना थोड़ी देर खेल कर आ जाना चलो ना बहन चले अच्छा आऊंगी चलो फूल दो बदन निको जय अम्बे
की थाली केसर की प्याली सिंदूर की थाली केसर की प्याली गुलाब गेंदा सासन गुलाब गेंदा सासन केत की जोई लावत भेंट चढ़ाने नारी नारी हरियाली गावत सखी जन आरती श्री माता जी को सेवा करके धावत सुख सेवा करके धावत सुख सुख पति देवन को जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय अम्बे गौरी मैया और आप सब चुप तले डोला दर दे मुसाफिर सावन किया केशव तूने जो कहा वो बिल्कुल सच निकला आजकल वो बहुत खुश रहती है आज वो पड़ोस में गौरी पूजा के लिए गई है वापिस आने पर किसी न किसी तरह भेजती हूँ तेरे कमरे में मगर तू वहां पहले न रहना दादी दादी आज हमने क्या क्या मजे लिए बहुत सी लड़कियां थी गाने गाए झूला झूले फुगड़ी खेलते खेलते बहन गिर गई ऐसा अच्छा निर्मला चलो खाना खालो हम वहां से खा के आए हैं अब कुछ नहीं चाहिए अच्छा आराम करो अरे हाँ निर्मला मेरा एक काम तो कर ऊपर अंदर के कमरे में अलमारी पर मेरी पंचरत्नी गीता है कितने दिन से ढूंढ रही थी आज वहां का ध्यान आया लाती है बेटी हाँ मुझसे ऐसी हंसी न कीजिए जंजीर निकालिए केशव आके निकालेगा जी दरवाजे की जंजीर भी और आपके दिल का तीर भी छुड़ाए तेरा मुंह जले हमसे ना बोलो राजा रे हमसे ना बोलो राजा रे हमसे ना बोलो राजा
दरवाजा दरवाजा खोलिए। नहीं, ये पागलों की तरह क्या करती है? दरवाजा खोलो। हरगिज नहीं। क्या इसका अंजाम बुरा होगा? आगाज कब अच्छा था जो अंजाम बुरा होगा? मैं फिर कहता हूं, सीधी तरह से दरवाजा खोल। मैं भी फिर कहती हूं, दरवाजा नहीं खोलूंगी। नहीं खोलेगी? नहीं। अच्छा, इसी कमरे में बंद रहे और कुतिया की मौत मार। बहुत अच्छा, मगर मरने से पहले ये घर भी जलकर खाक होगा। क्या? कुछ नहीं, यहाँ चिराग है, चिराग में तेल है, घर जलने में देर नहीं लगेगी। एक घड़ी में चिराग भड़केगा और काली माता माफ कर, तेरे चरणों में हमारी शरण पत्रिका। तो फिर जंजीर न लगाओ, नीचे जाके अपनी चाची की पूजा करो और अब फिर मुझे कभी परेशान न करना। कबूल कबूल लक्ष्मी, तेरी सारी बातें कबूल। किस्मत फूटी जो जलती हुई आग दामन बांधी।
केशव मुंह धोया ले पिए मसाले का दूध। आ बेटा क्या मजे का दूध है, ले पी। केशव से पहले पीने के लिए शर्माती है दीवानी, ले पी। और है? हाँ हाँ लाती हूँ। बहन, सिंदूर लगाते वक्त तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? कुछ नहीं बहन। बहन, सिंदूर किस लिए लगाया जाता है? वो देखो, तस्वीरों में सीता माता ने भी लगाया है, रुक्मिणी देवी ने भी लगाया है, ये किस लिए? बहन, देवी सीता ने प्रभु रामचंद्र जी के लिए सिंदूर लगाया है, रुक्मिणी माता ने कृष्ण भगवान के लिए लगाया है। उन्हें भी सिंदूर लगाते वक्त तुम्हारे जैसा बुरा मालूम होता था? उन्हें आनंद होता था। आनंद? फिर तुम्हें क्यों नहीं होता? उन्हें क्यों होता था? क्यों होता था? देवी सीता जिनके लिए सिंदूर लगाने में आनंद मनाती थी, वो राम राम थे। रुक्मिणी माता जिनके लिए सिंदूर लगाने का अभिमान करती थी, वो कृष्ण कृष्ण थे। और मैं बहन, ये तस्वीर देखो, किसकी है जानती हो? हाँ, सुशीला बहन की है ना? बहन, इसे काट कर अपने कमरे में लगाएंगे, जरा गोल ले आओ। जाओ बहन। क्या खाने के लिए बैठ। आप बहन की थाली? तुझे क्या करना है, तू खा। मैं अकेले नहीं खाऊंगी। दूसरे के उठा पटक से तुझे क्या करना है, सीधे तरह से खाने के लिए बैठ। बहन के बगैर मैं नहीं खाऊंगी, जा। सुनती नहीं? क्या हुआ? दादी बड़ी बुरी है। बहन, बड़ों को बुरा नहीं कहते। फिर वो अच्छी है तो तुम्हें खाने के लिए क्यों नहीं बुलाती? मुझे आज भूख नहीं है, जाओ तुम खाओ। तुम्हारे बगैर मैं नहीं खाऊंगी। चलो ना बहन, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा चलो। बहन, दादी कहती है कि तुम्हें खाने को नहीं दूंगी। नहीं दूंगी?
तो मैं जरूर खाऊंगी, देखती हूँ कैसे नहीं देती। चाची सीधी तरह ताला खोलो, मुझे मालूम है तुम सोई नहीं हो, सुनती हो या नहीं, मुझे खाना खाना है, उठो ताला खोलो। नहीं खोलती हो तो ताला तोड़ती हूं। हो गई क्या नींद? कल मुही ताला तोड़ती है इस घर में, तुझे तो क्या तेरे बाप को भी खाने को नहीं मिलेगा। क्यों? मेरी मर्जी। आपकी मर्जी? हाँ। आप हैं कौन? मैं केशव की, तेरे पति की चाची हूँ। चाची? तो मैं उनकी पत्नी हूँ, पत्नी और बुढ़ापे की। सुनती नहीं? खरा खराब, निकल यहां से, घर के बाहर हो। ये घर मेरा है। अरे मुझे बताओ बताओ, ये डायल मुझे मार रहे लोगों, दौड़ो दौड़ो, ये डायल मुझे मारते हैं, मेरे जान देते हैं, मुझे तकलीफ में मारते हैं, सुनो मुझे सुनो, चाचा ने सुना है। मुझसे नाराज हो गए? बहन बाहर कोई आवाज दे रहा है, मैं देख आती हूँ। निर्मला बेटी, अब तो कितनी बड़ी दिक्कत है री। अरे खड़े खड़े क्या मुंह दिखत है? तुहार मामा थका मांदा आयो है, जाओ पांव धोए का पानी ले आओ और चाय बनवाई लाओ। मगर आप हैं कौन? आप किससे मिलने आए हैं? निर्मला, मैं तोर मामा हूँ। वारी सयानी। मामा? मेरे मामा तो पहले ही गुजर गए। आप घर तो नहीं भूल गए? पगली, मामा के साथ दिल लगी करत है?
देखिए घर में कोई आदमी नहीं है, आप जिस राह से आए हैं उसी राह से जाएं। ना जाई हूँ, मैं तुही से ना ही उकील साहब से मिले आया हूँ, मैं यहीं बैठी हूँ, यहीं रही हूँ, ले बैठ गए। अच्छा सीधी तरह से आप नहीं जाते। शीतल ये देख क्या तमाशा है, कोई उठाई गिरा घर में आया है और कहता है मैं तेरा मामा हूं, इसे बाहर निकाल। अभी भांजी कहता है, थोड़ी देर में पत्नी कहेगा। नमस्ते गुरु महाराज। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ। बिस्तर में जो हाथ लगे हो तो खंड खंड कर डाल। कितनी पाचन लड़की हो। क्यों चिल्लाता है रे उच्चक के, अब सीधा जाता है या ना जा। हम ही के मामान, उकील साहब हमार दामादान, मैं उनका ससुराल और पावना भी आओ, ना जाई हो। शीतल ठहर जा, पुलिस को ले आ। सीधी तरह ये बला नहीं जाने वाली। पुलिस फौजदार नहीं, कलकत्तर केर बाप भी आवे तू ना जा। घरों उनके दामाद केर नहीं, हमार दामाद केर आए। दिखाता हूं तुझे कलकत्तर केर बाप। चुड़ैल तोर का मनसा है, तू हमसे आज काहे बदला लेत है। बदला? आपकी भांजी आपसे बदला ले? क्या ऐसा कुछ किया है आपने उसके साथ? हाँ हाँ, एक बड़े रुपया वाले उकिल के साथ उकी शादी की ने, तो उन्हीं से उका सर फिर गवा है। क्या झगड़ा है जनाब? इस भले आदमी का सर फिर गया है। हाँ हाँ, मोर सर फिर गया है। फिर चलिए पागल खाने। ओ सिपाही बाबा, तनिक हमारी तो सुनियो, यू झूठ कहते है। हम कसम खाई के कहित है हम इके मामान। अरे यार उन्हीं के क्या, हमारे भी मामा हो, हमारे घर चलो, उठाओ बिस्तर। अरे तुम का इतबार नहीं पड़ते है, हम सांच कहते हैं हम ई के मामान। नहीं कौन कहता है, आप ई के मामा, ऊ के मामा, गांव मामा और जगत मामा हैं। हमारे साथ चलिए। अरे हम का साथ दीवाना समझे तो? नहीं नहीं, आप बड़े सियाने हो, सयाने हो तो सीधी तरह चलो, और दीवाने हो तो हम ले जाएंगे। अरे ओ सिपाही, ओ सिपाही बाबा, अरे अरे हम, अरे अरे हम कसम खाई के कहते हैं। ओ अरे 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 तुम आपका सुर फोड़ कर कहो। उकिल साहब बचाओ, नहीं तो मरे जाओ। निर्मला मोर बड़ी फजेती की, अब वो हमका मामा हूँ नहीं समझे, पागल समझत है। यू पागल हमका पागल खाने लिए जाते, मुंह खोले काहे देखत हो? एक मनई हुए के औरत को काहे सर पर चढ़ा लिए हो? चार मैया रहे वारे मनाई सब आयस होते। उकिल साहब, उकिल साहब, उकिल साहब। मैं त्वार मामा। मैं त्वार मामा। मैं त्वार मामा। मैं त्वार मामा, मैं त्वार मामा। सा
वो सीधी राह पर नहीं आएगी। ले ये छड़ी ले। अरे सोचता क्या है, मेरे पति ने भी हजारों बार मुझे मारा है। ले ला इधर। चुप क्यों खड़ा है बनागे? आप मुझे मारना चाहते हैं? केशव केशव क्या देखता है, अरे लगा फिर खड़ा का खड़ा। नहीं रे, तेरे हाथ से ये नहीं होगा, मैं ही दिखाती हूँ तमाशा। हाँ रख दो छड़ी, मुझे मारने का तुम्हें हक नहीं। मुंह फोड़ केशव, मुंह फोड़। बेगुनाह पर हाथ उठाने के लिए कलेजा चाहिए। अरे रे केशव, तेरी जवान मर्दी कहाँ गई? चाची आप तो मेरी इज्जत रखिए, क्या मुझे बच्चा समझती हैं? आप यहां से जाइए। आखिर मैं पूरी ना। अच्छा बाबा जाती हूँ। लीजिए मारिए, पति का हक अदा कीजिए। पति का हक? और तू बड़ा पतिव्रता धर्म पाल रही है। संसार में जब बूढ़े मर्दों ने भी नीति और धर्म छोड़ दिया तो औरतें ही अपना धर्म क्यों संभालें? तू जैसी बेशरम छिनाल से कौन लड़ाए? छिनाल ठहरो, सामान की छुरी से जख्म करके कहां चले? नहीं मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी, तुम्हें अपने कंधे शब्द सच करके दिखाने होंगे, नहीं तो मुझसे माफी मांगनी होगी। मैं अबला हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, तुम्हारे बस में हूँ, लेकिन इंसान हूँ, मुझसे ये गंदा इज्जत सहन नहीं होगा। कहिए मुझमें छिनालपने की कौन सी बात है? यहाँ आने पर मैंने किसे खत लिखा, किस पर है मैं हंसी, किसी से भी पूछिए। घर के सामने मैंने जो बाग लगाया है इससे क्या जाहिर होता है? या मेरा ये कमरा, ये छिनाल की जगह है? ऐसे गंदे शब्द निकालते हुए तुम्हें लाज ना आई? आपको मुझ पर गुस्सा था, मेरी इज्जत पर नहीं। मेरा खून बहाना था, आग से जलाना था, मगर दिल में बेइज्जती के जख्म न करना था। कोई भी ये गंदा शब्द वेश्या को भी कहने के लिए शर्माता होगा, मगर आपने मुझे कहा। निर्मला देवी
मुझे माफ करो। नहीं, आप माफी न मांगे, हाथ न जोड़े। मेरे शब्द भूल जाइए, क्षमा कीजिए। उन्होंने हाथ जोड़े, माफी मांगी, मैंने उन्हें बुरे शब्द सुनाए, मुझसे भूल हुई क्या? मन साफ तेरा है या नहीं, पूछ ले जी से, हाँ पूछ ले जी रे, पूछ ले जी से। मन साफ तेरा है या नहीं, पूछ ले जी से, फिर जो कुछ भी करना है तुझे कर लो खुशी से, घबरान किसी से। शरबत के जो धोखे में तुझे जहर पिलाए, शरबत के जो धोखे में तुझे जहर पिलाए, रोने पे जो हंसता रहे हंस हंस के रुलाए, ले जाना जो चाहे तुझे कांटों की गली से, फिर जो कुछ भी करना है तुझे कर वो खुशी से, घबराने किसी से। मन साफ तेरा है या नहीं, पूछ ले जी से, हाँ पूछ ले जी से, आह पूछ ले जी से। तू लोगों की आंखों में भला हो तो भला हो, अच्छी वो बुराई है जो दुनिया का भला हो। कटता है गला तेरा अगर कुंद छुरी से, फिर जो कुछ भी करना है तुझे कर लो किसी से, खबरदार किसी से। शरीफ पुत्र जुगल किशोर लिखते हैं कि मैं दिवाली पर आने वाला हूं। अच्छा। और उसी समय सुशीला भी एक दिन के लिए यहाँ आने वाली। कौन सुशीला आने वाली है? हाँ, उसका यहाँ व्याख्यान है। अच्छा, दोनों बच्चे घर आते हैं, क्या सोचता है? मैं सुशीला को लिखने वाला हूं कि यहाँ ना आए। ऐसा न कीजिए, सुशीला देवी को आने दीजिए। क्यों? शायद उसके भी सामने हमें मानपत्र मिलने वाला है। नहीं जी, उनके सामने मैं मुंह तक नहीं खोलूंगी। ईश्वर की सौगंध कुछ न कहूंगी, मगर आने दीजिए। अच्छा अच्छा, ये
मालूम है अपनी सुशीला देवी आने वाली है। कब? दिवाली पर। दिवाली पर? हाँ। लेकिन वह है दिवाली के तो अभी बहुत दिन है। बहुत कहाँ, चल पगली कुछ भी कहती है। अरे अभी सावन है। सावन? हाँ, तुम क्या समझती थी कल ही दिवाली है। हाँ, मैं ऐसा ही समझी थी। सावन भादव कुमार, सावन सावन झूला झूला के निकला भादों की आई बहार। सावन झूला झूला के निकला भादों की आई बहार। नन्नी नन्नी बूंदन की पोछार कली कली को करती प्यार। कहती फल फूलन कीड़ा आहा भारत प्यारा, आहा भारत प्यारा है वो जग से नियारा। भारत माता की देखने शोभा देवी ने भेजा कुंवर आ। भारत माता की देखने शोभा देवी ने भेजा कुंवर। देवी ही पूजा में था संसार करता था फल फूलों से सत्कार। देख के कहने लगा ये कुंवर आहा भारत प्यारा, आहा भारत प्यारा है वो जग से नियारा। आहा भारत प्यारा, आहा भारत प्यारा है वो जग से नियारा। आई दिवाली चमकन लागे घर दर दीवार। आई दिवाली चमकन लागे घर दर दीवार। पग ऊपर शोभा निछावर जगमग उठा संसार। पग ऊपर शोभा निछावर जगमग उठा संसार। हसत हसत चलत फिरत उमंग में नर नार। हसत हसत चलत फिरत उमंग में नर नार। किसी के गले फूलन के हार, जनकार यही झंकार की थी पुकार। आहा भारत प्यारा है वो जग से नियारा। आहा भारत प्यारा, आहा भारत प्यारा मेरा भारत प्यारा। बहन बहन सुषमा बहन आई। चाचा जी सुशीला बहन आई। अरे रे, आ गई बेटी। अच्छा आप मुझे नहीं पहचानेंगे क्योंकि आपने मुझे कभी देखा ही नहीं। सुशीला अच्छी है चाची, ये नई लड़की कौन है? नाम ना निकाल उस चुड़ैल सूरत का। बेटी तेरे बाप के नसीब फूटे, ये उसकी नई पत्नी है। क्या आखिर पिताजी ने शादी की? की, मगर ये बला ऐसी गले पड़ी है शादी के दिन से आज तक रूठना फूलना लड़ना झगड़ना। न पति पसंद है न मैं। कैसे पसंद आए?
पिताजी के सामने वो कितनी नन्ही, उन्होंने क्यों इसका गला काटा? सभा में सब आपके इंतजार में है, चलिए। आती है। अरे आज स्नान करेगा या नहीं? सुशीला कहाँ है? वो शांति महारानी निर्मला सब व्याख्यान में गई। गई? हाँ। क्या मुझे स्नान नहीं करना है? कितनी देर हो गई? अरे यही तो मैं तुझसे कह रही थी, तेरा ध्यान कहाँ है? अरे हाँ, स्नान के लिए बुलाने आई थी। पानी रखा? हाँ। चलो। मॉर्निंग फादर। कहिए मिजाज कैसे हैं? हमारे लिए आपने नई मां पैदा की। That's good. है? देखते क्या है, थैंक्स तो कहो। आप एटिकेट भी नहीं जानते। जाइए पिता, आपको शादी ही करनी आती है और कुछ नहीं। जुगल तुझे कुछ शर्म आया है? क्या हुआ बाबा? नेहरू पिता पुत्रों की हकीकत क्या आपको मालूम नहीं? एक दफा मोतीलाल जी ने जवाहरलाल जी को सिगरेट ऑफर किया था, आज ये जवाहर मोतीलाल जी को ऑफर कर रहा है। वेल पापा। जुगल तुझे ऐसी शरारत करनी है तो वापस चला जा। नो 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 डैडी, मुझे वापस जाने की इतनी जल्दी ना आए। वेल श्रीमती चाची साहिबा। जुगल मेरे लाल कब आया? ए मुए, ओ सॉरी, आप सिगरेट नहीं पीती? हमारे बॉम्बे में तो औरतें खुल्लम खुल्ला सिगरेट पीती हैं। मगर ये तेरी बॉम्बे नहीं। आई फॉरगॉट, दिस इज गंगापुर, ओल्ड रॉटन टाउन। मुए हिंदी में बोलना। अरे ये क्या लहंगा पहना है? हैं? शायद तेरे बॉम्बे में मर्द लहंगे पहनते हैं। लहंगा? वाह, यह जुगल फैशन पैजामा है। जुगल मुए, पैजामा ही पैजामा है, तेरे पाँव कहाँ है? छाती ग्रैंड, आप बड़ी बामुदाक है। पिताजी कहाँ हैं? अब तक मैं उनसे मिली ही नहीं। ऊपर के कमरे में होंगे। जुगल भी आया है? जुगल यहाँ आया है? सुनो सुनो बन के रानी, आए खार। चाची। तेरी नई माँ। माताजी अपने पुत्र पे कृपा रखना। शाबाश बेटी, तेरी इज्जत से मेरी इज्जत दुबाला हो गई। देश पर तू अपनी जान कुर्बान करती है, तुझे धन्यवाद। अच्छा।
अच्छा पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, हाँ, कहना। अरे हाँ, अच्छी याद आई, मुझे एक मुकदमे की कार्रवाई के लिए बाहर जाना है। मैं 15 मिनट में आऊंगा, फिर फुर्सत से बातचीत करेंगे। मैं जल्द आता हूं, शायद देर लगे। और ये देखो, मेरी राह न देखना, शायद ज्यादा वक्त लगे। बहन, मैं कुछ मदद करूं? जी नहीं, ऐसा काम भी क्या है। मगर आप थकी हुई नजर आती हैं। सुशीला, अचंभा न कर, श्रीमती देवी ने आज ही काम पर कृपा की है। सुशीला देवी, कुछ दिन रहोगी ना? खुशी से रहती, मगर परसों दूसरी जगह व्याख्यान है, वहां से आने के बाद कुछ दिन रहूंगी। Footprints that perhaps are not.
क्यों मुझे याद आई किसकी अपने माँ बाप की उन्हें ये गाना बहुत पसंद था सच है धन्यवाद तुम्हारे माँ बाप को उन्होंने तुम्हें कितनी अच्छी तालीम दी है दुनिया में कुछ नाम कमाऊं ये उन्हें बड़ी उम्मीद थी मगर वो गए और मैं मुसीबत में फंस गई जिधर नजर उठा के देखती हूँ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है सुशीला देवी इन बदनसीब आंखों को कभी उजाला नजर नहीं आएगा क्या ये आप क्या कहती हैं कवि केशव क्या फरमाते हैं जो बाग है उजड़े गर्मी में जाड़ों में फूलता फलता है जब रे नंदेरी कटती है तो सूरज चमकता निकलता है अभी आप ही ने कहा ना लर्न टू लेबर एंड टू वेट करनी करते रहो और राह देखो उजाला जरूर नजर आएगा उजाला बहुत देर हो गई सो जाइए जी हल्का हो गया क्या मैं आपसे कुछ पूछूं कुछ और ख्याल न करना सच कहिए जिस तरह आप घर वालों से बर्ताव करती हैं इससे आपको ज्यादा दुख नहीं होता दुख कितना ही बढ़े मैं बर्दाश्त करूंगी मगर अन्याय नहीं सहन करूंगी मुसीबतों के पहाड़ सर पर टूटे मैं अपनी तपस्या नहीं छोड़ूंगी तपस्या हाँ तपस्या ये मेरी लापरवाही ये मेरा बर्ताव सारी दुनिया पर जाहिर हो और जो बूढ़े दिल में शादी की इच्छा रखते हैं उनके दिल दहशत से थर्राए निर्मला जैसी डायन अपने पाले पड़ेगी क्या इस खौफ से वो धरती में समा जाए और मेरे इस काम से एक भी कुंवारी कन्या का गला कटते कटते बच जाए तो मैं समझूंगी कि मेरी तपस्या का फल मिला कितने खौफनाक शब्द सुनने में कितने भयानक पर सोचने पर कितने सुंदर विचार हैं मगर दुनिया नहीं मानेगी दुनिया न माने मगर धर्म के पर्दे में भोली बच्चों के गले काटने वालों को हम सजा क्यों न दें धन्यवाद कितनी दूरंदेश हो तुम जैसी लड़की का खाना खराब मेरे पिता के हाथों हो इस शर्म से मैं मरी जाती हूँ
नहीं, आप इसका बुरा न माने, इस बुराई में भी मुझे खुशी की झलक नजर आई है। वो क्या? आप जैसी देवी की मां होने की, बूढ़े की औरत होकर मैं मुसीबत के गार में गिर गई हूं, मगर फिर भी हिंदुस्तान की शोभा बढ़ाने वाली सुशीला देवी की मां हूं। इस एक ही खुशी पर मैं अपने सारे दुख भूल जाऊंगी। बूढ़े की औरत, बूढ़ा, बूढ़ा, मैं बूढ़ा, हिजाब लगाने से तू जवान होगा, हाँ काला मुंह होगा, बाल काले करने से क्या जवानी आती है? क्यों ना आए, सिर्फ काले बालों के सिवा मुझ में किस बात की कमी है? दीवाने, सफेद बाल काले होंगे मगर तेरा बूढ़ा दिल जवान कैसे होगा? मेरा दिल बूढ़ा? हाँ हाँ, इस कमजोर दिल से तू निर्मला के जवान दिल की प्यास किस तरह बुझाएगा? तुझ में ऐसा कौन सा गुण है जिससे वो मोहित हो? मैं जवानों ही का सरंगीला हूं, मेरा भी दिल वैसा ही चंचल है, मेरे बदन में भी उतनी ही शक्ति है। शक्ति? झूठी, झूठी। हाँ हाँ, झूठी, तेरे खिजाब ऐसी, दिल की इस झूठी जवानी का तमाशा कब तक दिखाएगा? जरा देख तू अपनी तरफ, हाय तू जवान, अगर तू जवान होता तो निर्मला के सामने क्यों सर झुकाता? बोल, तू बूढ़ा है या नहीं? बूढ़े बंदर, खामोश, बकवास बंदर, मैं जवान हूं, मैं जवान हूं। बुढ़ापे में शादी करते हुए शर्म नहीं आई? दीवाना है तू, नवासे जैसी लड़की को पत्नी बनाया, बल्ले दर्जे का गधा है तू, थू थू है तेरे जीने पर। करती रहो और राह देखो, अंधेरे के बाद उजाला ही है।
यहाँ जाइए। आजी, ये घर मेरे बाप का है। मगर इस कमरे पर मेरी सत्ता है। सीधी तरह से निकल जाओ। सुंदर, कितनी खूबसूरत नजर आती हो। नीरज, वाह, ग्रेसफुल, कितना नेचुरल एक्टिंग है। आप मुझे मारेंगी? हो बाहर। मार डाला हिंदुस्तान की ग्रेटा गार्बो, मार डाला, मार डाला, मार डाला रे। जुगल, ये क्या है? तुझे कुछ लाज शर्मा है? मैं शर्माऊं? क्यों बाबा, मैंने क्या बुढ़ापे में शादी करके ऐसी? बदमाश, चुप रहे। खामोश प्लीज। तेरी शरारत हद से बाहर हो गई है। क्या कहा आपने? शरारत हद से बाहर हो गई, मगर किसकी? बोल मेरे सुपूत, और बोल इसके सामने, और मेरे मुंह पर थूक। ओ फादर, हाउ ड्रामेटिक, कितनी ग्रिपिंग सिचुएशन है। आप इधर गुस्से में, मैं हीरो जैसा, और इस तरफ रंगीली छबीली हीरोइन। मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला। ओए ओए, मर गया, मर गया। पीछे राक्षस ने हाथ रोक मेरी माँ, मुझे माफ। पिताजी आप ही जुड़ा। आए, 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 ये क्या है, क्या है? कहूं, ये घर है, थिएटर नहीं। और तू तो एक बाजारी औरत के सामने नहीं, एक शीरवंती के सामने खड़ा है। सुना? सुना, समझा? ओए, मर गया, मर गया, कल तुम्हें माफ करो। उठ, पांव पर, मेरे नहीं, अपने पिता के, जिनका तूने अपमान किया है। चिरंजीव जुगल, ये प्रसंग कैसा है? निर्मला, घर के बाहर आ। सरे बादा, तेरी इज्जत न खराब की तो जुगल नाम नहीं। कितना कुपुत है, ऐसी औलाद से तो औलाद का नहीं होना अच्छा। आप चुप क्यों खड़े हैं? आपके पुत्र को मारा, इसलिए आप नाराज हैं? आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? निर्मला, मुझसे डरती है? एक बदमाश लड़के के बुजदिल बाप से डरती है? तेरी शराफत, तेरी सच्चाई, तेरी निगहवानी करती है। तू कितनी शीलवंती, कितनी तेजस्वी लड़की है। तेरा पति होने के काबिल मैं नहीं हूं। निर्मला, पोछ अपने माथे का सिंदूर। इस नालायक पति के नाम से लगाया हुआ सिंदूर पोछ डाल। ये आप क्या कह रहे हैं? सच ही कह रहा हूं, ये बूढ़े सौभाग्य का सिंदूर मिटा। सौभाग्य का सिंदूर मिटाऊं? ऐसे अपशकुन शब्द न कहिए। तू इसे अपशकुन समझती है? अब तक नाइंसाफी से लड़ने वाला तेरा बहादुर दिल सिंदूर पोछने के लिए क्यों घबराता है? नाइंसाफी से लड़ने वाला दिल, नाइंसाफी से लड़ने वाला दिल जवान था, चिड़ा हुआ था, मगर हिंदू रस्म और रिवाज में मिला जुला था। उसे ये सिंदूर पोछने के बाद कबूल नहीं। क्यों कबूल नहीं? जिस सिंदूर का तेरे दिल में प्रेम नहीं,
जिस सौभाग्य का तुझे अभिमान नहीं उसे मटिया मेट करने में तुझे दुख क्यों होता है? ये कुछ नहीं, धर्म के नाम से तुझ पर रखा हुआ ये सौभाग्य का बोझ मैं ही मिटाता हूं। ये आपने क्या किया? आपने मेरा सिंदूर क्यों पोंछा? ये आप शकुन आपने क्यों किया? निर्मला ठहर, सिंदूर न लगा, सौगंध है तुझे तेरे माता पिता की। सौगंध? ऐसे जबरदस्त सौगंध देकर आप मुझसे क्यों बदला ले रहे हैं? निर्मला बची, बूढ़े पति के जाल से छूटी, इतने दिन झगड़ने का फल मिला, खुशी खुशी। कौन हंस रहा है? सीता माता आप हंस रही हैं? आप भी खुश हुई? नहीं, फिर क्यों हंसती हो? मेरे माथे पर सिंदूर नहीं इसलिए हंसती हो? क्या मैं विधवा? नहीं, सच में विधवा नहीं, मेरे पति जीते हैं, उन्होंने ही मेरा सिंदूर पोछा। आप ना हंसे, मैं अभी सिंदूर लगाती हूँ। मगर उन्होंने तो मुझे सौगंध दी है। नहीं देवी, मैंने नहीं सिंदूर पोछा, मेरा सुपेन माता देखकर ना हंसो, मैं सौभाग्यवती हूँ, मेरे पति जीते हैं। ठहरो, मैं अभी उनके पास जाऊंगी और उनके हाथ से सिंदूर लगा लूंगी। माता जी को सिंदूर लगाना, मुझसे गलती हुई, क्षमा कीजिए, मेरे सिंदूर लगाइए। अब तू सिंदूर लगाने की हकदार नहीं, तेरा पति मर गया। आप ऐसा ना कहिए, आज से मैं आपके साथ अच्छा बर्ताव करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आप जो आज्ञा कहेंगे वही करूंगी, मगर सिंदूर लगाइए। अच्छा निर्मला, सिंदूर लगाता हूं, पति बनके नहीं पिता बनके। पिता? मैं आपकी बेटी? ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं, एक दफा तूने ही कहा था कि मैं आपकी बेटी और आप मेरे पिता होते तो कितना अच्छा होता। मगर ये बात धर्म कैसे मानेगा, दुनिया कैसे मानेगी? क्यों ख्याल करती है धर्म और दुनिया का? जो दुनिया एक बूढ़े से नौजवान लड़की की शादी हो ये मानती है, वही दुनिया उसी बूढ़े ने अपनी शुद्ध पवित्र नौजवान पत्नी को बेटी कहा ये न माने,
तो क्या परवाह है उसकी। और समझ, दुनिया न माने तो क्या ये बात बुरी है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पाप है क्या? कुछ नहीं, रस्म की जंजीरों से जकड़े हुए धर्म की, दुनिया की मुझे परवाह नहीं। धन्यवाद आपको और आपके दिल को। धन्यवाद, धन्यवाद उसे जिसने तुझे फंसाया। नहीं, तुझे धन्यवाद, जिस पेट से तू पैदा हुई उसे धन्यवाद, तेरी तपस्या को धन्यवाद। बेटा, आप जैसा अनुभवी विचारी मनुष्य। हाँ, वो भी भूलता है। बेटा, अनुभवी विचारी होने पर भी आखिर मैं एक आदमी ही था। मेरे बूढ़े दिल ने भी चाहा कि मेरे हक की, प्रेम की एक जगह हो, लेकिन अपना स्वार्थ देखते हुए मैं तुम्हारा गला काट रहा हूं, ये मेरे ध्यान में न आया। मगर अब इस कहने से क्या फायदा। जा बेटा, आराम कर, जा। अरे, ऐसी गंदी शादी को भी मौत के सिवा कोई चीज नहीं तोड़ सकती। मौत? मौत? मालिक साहब, मालिक साहब,
मेरी मौत बगैर तेरा छुटकारा नहीं होगा, इसलिए मैं खुद को ये करता हूँ। मेरे मरने के बाद तुझ जैसी शीलवंदी लड़की को गुजरे हुए दुख के बाद पूरा सुख मिले, ये मेरी इच्छा है। मेरे बाद जल्द शादी कर, ये तुझसे मेरी विनती है। जब तक तू शादी नहीं करेगी, निर्मला सब्र। देवी, आपने कहा था उजाले की राह देखो, क्या यही है वो उजाला? ये कैसा भयानक उजाला? देवी, मुझे कुछ नहीं सूझता, अब मैं क्या करूं? पूछल जी से, हाँ पूछल जी से, फिर जो कुछ भी करना है तुझे कर वो खुशी से, घबराना किसी से।